आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन, 3 तलाक बिल राज्यसभा में पास। संजय सिंह ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा, मोदी के समर्थन में छोड़ी कांग्रेस। देश के साथ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से बरसात से परेशान, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, गिलदा में मकान गिरे। जबलपुर में बदमाशों ने वकील को चाकू मारा, वकीलों ने की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का बयान, ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर कहा कि कांग्रेस कर रही है डील और डायवर्ट की राजनीति। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मुस्लिम महिलाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा, राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास हो गया। इस दौरान कई दलों ने राज्यसभा से बहिर्गमन कर बिल को पास करवाने में मदद की। 3 तलाक जैसी कुप्रथा खत्म करवाना मोदी सरकार के लिए बड़ी सफलता है। इस बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े और विपक्ष में 84। मोदी सरकार को उस समय बड़ी सफलता मिली जब सदियों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा मिटाने के लिए 3 तलाक बिल राज्यसभा से पास हो गया। इस बिल के पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े। 3 तलाक बिल पर राज्यसभा में बहस पूरी होते ही इसके बाद इस मुद्दे पर वोटिंग हुई कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए या नहीं। इस मुद्दे पर सरकार को बड़ी सफलता मिली। सेलेक्ट कमेटी को भेजने के खिलाफ 100 वोट मिले जबकि इसके पक्ष में 84 वोट ही गिरे। इस तरह वोटिंग का नतीजा यह रहा कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा जाएगा। करीब 4 घंटे की बहस के आखिरी में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया। इससे पहले भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने वॉकआउट कर दिया। पार्टी का कहना है कि वह ना तो बिल के समर्थन में वोट करेगी और ना ही विरोध में करेगी। वहीं AIADMK ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की वकालत की। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने बटन दबाकर वोटिंग करने के बजाय पर्चियां बटवाई। इसका कारण यह है कि राज्यसभा में कुछ सदस्य नए आए हैं जिन्हें अब तक सीट नहीं मिली है। वे किसी भी सीट पर बैठकर वोटिंग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पर्चियां बांटी गई और सदस्यों को हां या ना लिखने को कहा गया। शरद पवार, राम जेठमलानी और प्रफुल्ल पटेल सदन में मौजूद नहीं है। इससे पहले लोकसभा में 3 तलाक बिल पास होने के बाद सरकार ने मंगलवार को इसे राज्यसभा में पेश किया। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने सदस्यों को सदन में मौजूद रहने को कहा। 25 जुलाई को यह बिल लोकसभा में पास हुआ। तब बिल के पक्ष में 303 वोट पड़े थे। वहीं विपक्ष में इस बिल के खिलाफ 82 वोट डले थे। जेडीयू और टीएमसी बहस से अलग रहे थे। सर, सुप्रीम कोर्ट में आपके तरफ से कोई जवाब नहीं गया था। जब सर मेरे पास फाइल आई 14 में, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कानून विभाग दिया था, तो मेरे पदाधिकारी आए, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री के पास गया कि सर ये विषय क्या करना है। उन्होंने बिना छूटते कहा, जाओ 3 तलाक की पीड़ित बेटियों के साथ खड़े हो जाओ और सुप्रीम कोर्ट में कसकर जवाब दो, हम कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी खड़े रहेंगे। दिस हाउस does not need the mandate of the Supreme Court to pass a law. That is the sovereign right of this house, always independent of any judgment. Result of the division on adoption of the motion that the bill be passed, subject to correction, ayes 99, noes 84, the motion that the bill be passed is adopted. कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब गांधी परिवार के करीबी रहे डॉक्टर संजय सिंह ने कांग्रेस और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। संजय सिंह अमेठी के राज परिवार से आते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में संजय सिंह सुल्तानपुर संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। संजय सिंह अब बीजेपी के साथ हैं। डॉक्टर संजय सिंह असम से राज्यसभा सदस्य हैं और उनका कार्यकाल अभी 1 साल का बचा हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने राज्यसभा और कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। संजय गांधी के दोस्त रहे संजय सिंह ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कांग्रेस से ही किया था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के दौरान कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे।
संजय सिंह ने इस्तीफे के बाद कहा, मैं कांग्रेस इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व जीरो है। मैं सबका साथ सबका विकास के कारण मोदी का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा, कांग्रेस अभी भी अतीत में है, उसे भविष्य का पता नहीं है। आज पूरा देश पीएम मोदी के साथ है और अगर देश उनके साथ है तो मैं भी उनके साथ हूँ। राजनीति का तत्व संवाद होता है। कांग्रेस पार्टी में एकदम संवादहीनता है, नेतृत्व में एकदम शून्यता है और दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी बीते हुए अपने कल के अतीत में चल रही है और आने वाले कल के बारे में बेखबर है। हमें लगा कि आज के इस भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल नारा ही नहीं दिया है, उन्होंने उनका विचार है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इसी वजह से मुझे लगता है कि देश आज उनके साथ है और देश अगर उनके साथ है तो मैं भी उनके साथ हूँ। संजय सिंह 1998 में अमेठी संसदीय सीट से कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा को हराकर सांसद चुने गए थे। इसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। राहुल गांधी के कांग्रेस में एंट्री करने के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी की। 2009 के लोकसभा चुनाव में संजय सिंह सुल्तानपुर सीट से सांसद चुने गए थे। संजय सिंह 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से नाराज हो गए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें असम से राज्यसभा भेजा। इसके चलते सुल्तान सीट से उनकी दूसरी पत्नी अमिता सिंह चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वो जीत नहीं सकी। हालांकि संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह मौजूदा समय में अमेठी से बीजेपी की विधायक हैं। संजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। अमृता सिंह ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस यूपी की अध्यक्ष थी। संजय सिंह ने कहा, 1984 से कांग्रेस के साथ रिश्ता है। पिछले 15 साल में कांग्रेस में जो कुछ हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ। बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने यह निर्णय लिया है। देश के साथ पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश में भी जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के कारण भोपाल, शाजापुर और खंडवा के निचले इलाकों में पानी भर गया। इन इलाकों में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदी नाले सब उफान पर आ गए हैं। भोपाल के नए बसेरा और पुराने भोपाल के कई इलाकों में पानी भर गया। खंडवा में तो एक दिन में 8 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसके चलते नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया है। खंडवा में बारिश के चलते आशापुर के गर्ल्स हॉस्टल में फंसी लड़कियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। वहीं जलस्तर बढ़ने के चलते आशापुर में कई घरों और दुकानों में पानी भर गया है। कई लोगों ने बचने के लिए मंदिर में शरण ली है। वहीं खंडवा और होशंगाबाद को जोड़ने वाले पुल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से हाईवे पर आवाजाही बंद है। खंडवा जिले में पिछले 24 घंटे में लगभग 200 mm बारिश हुई है। जिले में 1 जून से अब तक औसत बारिश का आंकड़ा 350 किलोमीटर है। पिछले वर्ष इस दौरान 370 mm बारिश हो चुकी थी। जिले की औसत बारिश 880 मिलीलीटर है। शाजापुर में बारिश आफत बन गई है। यहाँ कई गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कालापीपल में पानी ने खूब तबाही मचाई है। पानी कम होने के बाद विधायक कुणाल चौधरी ने इलाके का दौरा किया और साफ सफाई के काम में हाथ बटाया। हम लोग लगातार कल सुबह से लगे हुए हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा आई उसमें जो भी बचाव कल कर सकते थे, रेस्क्यू ऑपरेशन से लेके सभी लोगों तो सुरक्षित पहुंचाने से लेके लोगों की मदद करने से लेके गांव में घरों में उनकी सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करने के बाद आज सुबह से हम सब लोग लगे हुए। हमने यहाँ पे नगर पालिका, पंचायत का अमला, बाहर के कर्मचारियों, सभी लोगों को लगा कि कैसे पहले हम इन गाँव को साफ करें, इनमें सफाई की व्यवस्था करें, डॉक्टर की व्यवस्था करी, यहाँ पे दवाइयाँ डलवाई ताकि कोई महामारी इस तरह से नहीं फैले कि कभी कई बार बाढ़ के बाद महामारियों की स्थिति आ जाती है। तो उस रूप में हमने हर जो व्यवस्था कर सकते हैं, सुबह से खाने के पैकेट सभी लोगों तक पहुंचाए, सुबह नाश्ते के लिए पोहे चाय की व्यवस्था, हर चीज जो व्यवस्थित व्यवस्था कर सकते थे उसकी एक कोशिश करी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे से सागर व जबलपुर संभाग के जिलों में अनेक स्थान पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इधर मौसम विभाग ने 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें से कुछ जिलों में अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसमें इंदौर, धार, अलीराजपुर, होशंगाबाद, सीहोर, गुना, उज्जैन, छिंदवाड़ा, हरदा, राजगढ़, नीमच, रतलाम, अशोकनगर, आगर, शोएपुर कला, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी, विदिशा, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर और सिवनी शामिल है। इधर भोपाल का मौसम खुशनुमा हो गया है। यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 24 घंटे में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है।
बालोद बाजार के तिल्दा में लगातार बारिश से 3 मकान गिर गए। 4 महीने पहले ही करोड़ों की लागत से बने अंडर ब्रिज में पानी भर गया। तेज बारिश से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का सबसे ज्यादा असर बस्तर में देखने को मिला। बस्तर के तमाम इलाकों को संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। मौसम विभाग ने बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा में रेड अलर्ट जारी किया है। 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इधर रायगढ़, जांजगीर, बालोदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, महासमुंद जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के मूसलाधार बारिश हुई, इसमें बस्तर संभाग जलमग्न है तो सरगुजा, रायपुर और दुर्ग संभाग में भी अच्छी बारिश दर्ज हुई है। यह राहत की बारिश है क्योंकि अभी तक किसान, सरकार और मौसम विभाग की निगाहें आसमान की ओर थी। कब मेहरबानी होगी। सोमवार को हुई बारिश से बस्तर में इंद्रावती खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। पुराना पुल डूब गया है। बस्तर संभाग के जगदलपुर जिले में 24 घंटे में इतनी अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। बस्तर अंचल में बीते 36 घंटे से हो रही बारिश के कारण इंद्रावती समेत सभी प्रमुख नदी नाले उफान पर है। राजधानी से जगदलपुर का तो बीजापुर जिले का पड़ोसी राज्य तेलंगाना व महाराष्ट्र से संपर्क टूट गया है। बीजापुर जिले के दर्जनों गांवों का संपर्क जिला तथा ब्लॉक मुख्यालय से कट गया है। रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर परचनपाल के समीप रायकेरा नाले का पानी सड़क पर आ जाने के कारण आवागमन बंद है। बस्तर संभाग में बाढ़ के हालात के चलते संभाग आयुक्त अमृत खलको ने स्कूल कॉलेज में अवकाश घोषित कर दिया है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर कहा कि कांग्रेस डील और डाइवर्ट की राजनीति कर रही है। कांग्रेस अपने वचन पत्र में किए वादे नहीं निभा रही। किसान ऋण माफी और बेरोजगारी के मुद्दे से डाइवर्ट किया जा रहा है। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस डील और डाइवर्ट की राजनीति कर रही है। कांग्रेस अपने वचन पत्र में किए गए वादे से मुकर रही है। कांग्रेस ई टेंडरिंग दिखाकर मुद्दों से भटक रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनके पूर्व निजी सचिव वीरेंद्र पांडे और निर्मल अवस्थी के बीच खाते बताना महत्वपूर्ण नहीं, किन कंपनी का पैसा आया ये महत्वपूर्ण है और कांग्रेस यह उजागर करे, इनकम टैक्स को कार्यवाही करने दे, लेकिन वे डाइवर्ट कर रहे हैं। मंत्री के पास में इस ई टेंडरिंग से संबंधित कोई भी फाइल कभी भी नहीं आती है। अकेले मेरे पास नहीं है, ये जो 9 केस अलग अलग विभाग के हैं, इसमें पीएचई भी है, पीडब्ल्यूडी भी है। ये मैंने पहले कहा, सीएस और पीएस स्तर की समिति इसको निर्णय करती है। ई टेंडरिंग जहां होती है उसका कोड अलग होता है, उसका वो एक अधिकारी पर ही कोड होता है, वो किसी पानी पिलाने वाले प्यून पर नहीं होता या किसी बाबू पर नहीं होता। जब मंत्री के बंगले पर ही फाइल नहीं आती, अगर आती है तो इनको बताना चाहिए। जैसे आज ये 20 खाते लीक करें, वो भी लीक कर दो कि इस तारीख को, इस दिनांक को, इस पे, इस पे, इस पे गई थी ये टेंडरिंग की फाइल। ये नहीं दे सकते क्योंकि इनके पास में सिर्फ डाइवर्ट और डिले करने की टैक्टिक्स है। इनके पास में सिर्फ और सिर्फ चरित्र हत्या की राजनीति और डर्टी पॉलिटिक्स है। नरोत्तम ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में ही ई टेंडरिंग घोटाला, व्यापम, डंपर, सभी कांड की जांच शुरू हुई थी। नरोत्तम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है, राजनीति की आड़ में चरित्र हत्या की जा रही है। नरोत्तम ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार और कलम उनके पास है, कार्रवाई करके दिखाएं। लंबे समय से प्रदेश के वकील सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हर बार आश्वासन ही दिया। एक बार फिर एक अधिवक्ता पर चाकू से प्राणघातक हमला किया गया। हमले के दौरान चाकू उनकी पीठ पर फंसा रह गया, जिसके बाद अधिवक्ता को उसी हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जबलपुर में एक बार फिर अधिवक्ता अरुण दीक्षित पर अज्ञात हमलावरों ने प्राणघातक हमला किया। घटना के बाद से अधिवक्ता अरुण की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर इतने बेखौफ हैं कि हमला करने के बाद वो आसानी से मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता अरुण दीक्षित जब अपने घर जा रहे थे तभी पचमठा मंदिर के पास बाइक सवार 2 लोगों ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। हमले के दौरान चाइना चाकू उनकी पीठ में फंस कर रह गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में वकील भी पहुंच गए। वकील पे हमला हुआ है, अरुण दीक्षित जी
को मंदिर जा रहे थे और रास्ते में एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि मुझे इस पते पे जाना है, और वो जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही हमलावर ने पीछे से उन पर हमला किया। तत्काल पुलिस एक्शन में आई, बर्मन फैमिली से इनका झगड़ा हुआ था जिसमें 2 FIR दर्ज हुए थे, और इसी फैमिली का जो राजा बर्मन है इसने अंकित त्रिपाठी के साथ मिलकर इनकी हत्या करने की योजना बनाई थी और चाकू से हमला भी किया गया था, जिसमें अंकित को RPF भुसावल की मदद से हमने अब अपनी कस्टडी में लिया है। अभी हम उसको पूछताछ के लिए लाएंगे और गिरफ्तारी करेंगे। बताया जा रहा है कि अरुण दीक्षित की किसी से पुरानी रंजिश थी, हालांकि अभी तक नाम सामने नहीं आया है। कई दिनों से प्रदेश के अधिवक्ता सरकार से प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर 24 घंटे में हमलावर गिरफ्तार नहीं होते तो प्रदेश भर के अधिवक्ता उग्र आंदोलन करेंगे। वकीलों ने एक दिन के लिए जिला अदालत को बंद करने का निर्णय लिया है। इधर पुलिस ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। वकील पे हमला हुआ है, अरुण दीक्षित जी को मंदिर जा रहे थे और रास्ते में एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि मुझे इस पते पे जाना है, और वो जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही हमलावर ने पीछे से उन पर हमला किया। तत्काल पुलिस एक्शन में आई, बर्मन फैमिली से इनका झगड़ा हुआ था जिसमें 2 FIR दर्ज हुए थे, और इसी फैमिली का जो राजा बर्मन है इसने अंकित त्रिपाठी के साथ मिलकर इनकी हत्या करने की योजना बनाई थी और चाकू से हमला भी किया गया था, जिसमें अंकित को RPF भुसावल की मदद से हमने अब अपनी कस्टडी में लिया है। अभी हम उसको पूछताछ के लिए लाएंगे और गिरफ्तारी करेंगे। पालतू जानवरों की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। गायों को तस्करों ने ट्रक के अंदर इस कदर ठूस कर भरा था कि जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। ट्रक में भरी 17 गायों की मौत हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह मामला MP के गाडरवारा का है। मामला गाडरवारा थाना क्षेत्र का है, जहां बेलखेड़ी गांव के पास एक ट्रक अचानक गड्ढे में जा घुसा और फंस गया। फंसे ट्रक को देख ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ट्रक के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें सुन ग्रामीणों ने ट्रक का दरवाजा खोला तो ग्रामीणों के पैर तले जमीन खिसक गई। जब ट्रक के अंदर का मांजरा देखा तो इंसानियत मरी हुई नजर आई। ट्रक के अंदर पालतू जानवरों को बुरी तरह से भरा गया था, एक के ऊपर एक जानवरों को ठूसा गया था। गाँव वालों ने देर ना करते हुए स्थानीय पुलिस को फोन लगाया और जानवरों को छुड़वाया। जानकारी के अनुसार ट्रक में भरी गई 17 गायों की मौत हो गई है और बाकी गायों को प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। सभी जानवर जो थे वो बैल थे, कृषि उपयोग वाले। ट्रक को रेस्क्यू किया गया और लाने के बाद यहाँ पर जो गौशाला है उसमें कुल 56 बैल थे, जिसमें से 17 ये पौधे थाना गाडावारा में ट्रक को जब्त करके और जो बैल है उनकी प्राथमिक ट्रीटमेंट देने के बाद उन्हें सुरक्षित गौशाला में रखा गया। ये पूरा मामला गौवंश तस्करी का है। गौवंश की खेप काटने के लिए कहीं ले जाई जा रही थी। बहरहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामला कायम कर लिया है। मौके का फायदा उठाकर ट्रक चालक भागने में सफल हो गया। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तेज बारिश के चलते रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय में पानी भर गया और लोगों का पार्सल किया जा रहा सामान खराब हो गया। अधिकारियों की लापरवाही के कारण पार्सल कार्यालय में शेड का निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण भारी बारिश का पानी कार्यालय के अंदर घुस गया। एक तरफ जहां भोपाल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भोपाल रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय के हालात ठीक नहीं है। तेज बारिश के कारण स्टेशन के पार्सल कार्यालय में बारिश का पानी घुस गया है, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताया जा रहा है कि पार्सल कार्यालय में शेड लगाने के लिए DRM ऑफिस से परमिशन दी गई थी, लेकिन कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की अनदेखी के चलते शेड का निर्माण नहीं हो पाया। शेड का निर्माण न होने से पार्सल कार्यालय में रखा सामान बारिश के पानी से खराब हो रहा है। स्टेशन पर बारिश के पानी से सामान को बचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में ग्राहक अपना सामान रेलवे प्रशासन के भरोसे छोड़ देता है और नतीजा इस तरह सामने आता है। जबलपुर होटल एसोसिएशन ने होटल बुक करने वाली कंपनी ओयो की शिकायत पुलिस से की है। होटल मालिकों का कहना है कि ओयो कस्टमर से पैसा वसूलने के बाद भी पिछले एक साल से होटल मालिकों का भुगतान नहीं कर रहा। होटल एसोसिएशन ने ओयो के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया। होटल एसोसिएशन जबलपुर के सदस्यों और होटल मालिकों ने ओयो कंपनी द्वारा होटल मालिकों के साथ की जा रही धोखाधड़ी को लेकर पुलिस कप्तान अमित सिंह को ज्ञापन सौंपा। होटल मालिकों ने बताया कि पिछले एक वर्ष से होटल मालिकों को उनका भुगतान नहीं मिल पाया है और ना ही अनुबंध की शर्तों का पालन किया जा रहा है। इसके बाद अनौपचारिक पेनाल्टी एवं चार्जेस होटल मालिकों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। धोखाधड़ी सारे होटलों वालों के साथ कर रही है। वो बहुत ही गलत तरीके से नए नए लड़कों को रख कर अलग अलग हथकंडे अपना कर अकाउंटिंग के नाम पर गलत एंट्रियां पास कर कर गलत बिल बनाकर हर होटल वालों से उनने अपने कई लाखों रुपए उनके अपने अकाउंटों में जमा कर लिए हैं, जो वो दे नहीं रहे हैं, जिसके चक्कर में सारे के सारे होटल वाले एकदम त्रस्त हैं। और आज हमने SP साहब को यही अनुरोध किया है। होटल मालिकों ने कहा कि ओयो कंपनी जबलपुर शहर और मध्य प्रदेश के साथ देश भर में होटल मालिकों के साथ कुछ शर्त के आधार पर अनुबंध कर ऑनलाइन बुकिंग देने का वादा करती है, जिसमें बाद में अपनी कंपनी द्वारा सीधे ऑनलाइन डिस्काउंट देकर कस्टमर से पैसे अपने खाते में डलवा लिया जाता है, लेकिन आज तक हमारा भुगतान नहीं मिल पाया है। पुलिस अधीक्षक ने पूरा मामला समझने के बाद मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। होटल संचालक ओ की शिकायत लेकर आए थे कि ओ जो है, जो टर्म्स और कंडीशन में इनसे काम कर रही है, वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं कर रही। हम देखेंगे कि अगर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है तो कोर्ट में वकीलों के माध्यम से परिवाद लगाएं। अदरवाइज़ अगर किसी तरीके की धोखाधड़ी हो रही है तो उसको हम निश्चित तौर पर जाँच में लेकर संज्ञान में लेंगे, और अगर क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होती है तो इसमें FIR ओ के खिलाफ दर्ज करेंगे। नरसिंहपुर में मिलावट खोरों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। कलेक्टर और SP ने कई ऑयल इंडस्ट्रीज का निरीक्षण किया और गड़बड़ियां पकड़ी। प्रशासन ने मिलावट खोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने नरसिंहपुर के करेली में स्थित ऑयल इंडस्ट्रीज के 4 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और कई गड़बड़ियों का खुलासा किया। गंभीर अनियमितता मिलने पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आशु इंडस्ट्रीज को सील करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संयुक्त टीम को विस्तृत जाँच पर प्रकरण दर्ज करने की हिदायत दी है। इसके बाद कलेक्टर एवं SP ने शुभम इंडस्ट्रीज, राहुल इंटरप्राइजेस एंड कंछेदी लाल विजय कुमार नेमा के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और पूछताछ की। जांच के लिए इन सभी प्रतिष्ठानों से ऑयल से सैंपल लिए गए। ऑयल इंडस्ट्रीज के सभी 4 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस एवं दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए भी कलेक्टर ने निर्देशित किया है। इन सभी प्रतिष्ठानों में बाहर से टैंकर द्वारा खाद्य तेल लाकर उसकी पैकेजिंग कर थोक में विक्रय किया जाता है।
सुबह करीब 12:30-1 बजे के आसपास व्हाट्सएप पर मुझे शिकायत मिली थी कि आशु इंडस्ट्रीज़ में जो है सोया ऑयल में कुछ गड़बड़ की जा रही है, वहाँ पर बिना बैच का और एक्सपायरी डेट की बगैर एंट्री किए हुए जो है वहाँ से माल जारी हो रहा है मार्केट में। तो वहाँ मल्टी ब्रांडिंग की पैकेजिंग वहाँ पर मिली है, अलग अलग तरह के ब्रांड से एक ही तरह के ऑयल को, गंदगी बहुत है वहाँ। प्रथम दृष्टया वहाँ पर हमको काफ़ी सारी अनियमितताएँ देखने को मिल रही हैं, उसमें डिटेल इंक्वायरी कर रहे हैं। तो आके इस तरह की दो फैक्ट्रियाँ हैं और हैं जो कि ऑयल की पैकेजिंग करती हैं, इन दोनों फैक्ट्रीज़ को भी हमने देखा है। यहाँ पे जो ऑयल है उसके सैंपल लेंगे, इनका रिकॉर्ड चेक करेंगे और यदि कोई अनियमितताएं होंगी तो कार्रवाई करेंगे। निरीक्षण के दौरान आशु इंडस्ट्रीज के परिसर में अत्यधिक गंदगी मिली, साथ ही साथ यहां के सभी कार्यों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई। इस ऑयल इंडस्ट्रीज को गणपति ब्रांड के नाम से आशु इंडस्ट्रीज का लाइसेंस मिला हुआ है, परंतु आशु इंडस्ट्रीज में एक्टिव, पक्का मोती, आदित्य गोल्ड, मधुर रुचि, ट्यूलिप गोल्ड, शक्ति, उड़ान, गणपति सनफ्लावर ऑयल, एक्टिव इंदौर फर्स्ट ग्रेड सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, फॉर्च्यून आदि अनेक ब्रांड के नाम से पैकेजिंग के प्रमाण मिले हैं। यहां किसी प्रकार का कोई लाइसेंस या अन्य दस्तावेज नहीं मिला है और ना ही कोई लेखा जोखा मिला है। आशु इंडस्ट्रीज के मालिक मौके पर नहीं मिले, निरीक्षण में मिस ब्रांडिंग का गंभीर मामला मिला। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के क्या हाल है, इसका अंदाजा एक हेडमास्टर की करतूत से लगाया जा सकता है। शराब के नशे में धुत रहने वाले ये हेडमास्टर कभी स्कूल में तो कभी सड़क पर शराब के नशे में पड़े नजर आते हैं। शराब के नशे में सड़क पर खड़ा यह टल्ली शख्स एक स्कूल का हेडमास्टर है। जशपुर नगर के सिरिम केला पंचायत के फरसा स्कूल के हेडमास्टर का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शराब का नशा इतना ज्यादा था कि मदहोश हेडमास्टर बारिश में सड़क पर ही पड़ा रहा। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग उन्हें देखते रहे। शराब का नशा इस कदर था कि सर को बरसात भी पता नहीं चली। जब गांव वालों की नजर इन पर पड़ी और मोबाइल से फोटो वीडियो बनने लगे तो साहब को हल्का सा होश आ गया। ग्रामीण स्कूल पहुंचे तो वहां उपस्थित मैडम ने बताया कि प्रधान पाठक सर सुबह से ही पीकर आए थे और कुछ ही देर में चले गए। इनका यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ये ऐसा अक्सर करते रहे हैं। कभी टल्ली होकर स्कूल में पड़े रहते हैं तो कभी सड़क पर। अधिकारी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इस घटना के बाद ग्रामीण गुस्से में हैं। उनका कहना है कि गुरु अगर इस हालत में है तो स्कूली बच्चों के भविष्य का क्या होगा। भारतीय सिंधु सभा ने पाकिस्तान में हिंदुओं के जबरिया धर्मांतरण पर चिंता जाहिर की है और इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन करने का निर्णय किया है। सभा ने लव जिहाद के मसले पर कड़े कदम उठाए जाने पर जोर दिया है। भारतीय सिंधु सभा का राष्ट्रीय चिंतन शिविर भोपाल में हुआ। शिविर में पाकिस्तान में हो रहे जबरन धर्मांतरण और देश भर में हो रहे धर्मांतरण व लव जिहाद के विरोध में जिलाधीशों के माध्यम से राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ज्ञापन भेजकर इसे रोकने की मांग की जाएगी। सभा के शिविर में तय किया गया कि मजबूरन इन मामलों को लेकर देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा व पाकिस्तान दूतावास पर प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय सिंधु सभा का जो हमारा सिंधी समाज है, जो हमारा भारत में सिंधी समाज रहता है, अपनी भाषा अपनी मूल संस्कृति से जुड़ा रहे और कुरीतियों से बचता रहे। इस बार विशेष चिंतन बैठक हुई है कि और हम समाज को ज़्यादा क्या दे सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दो दिन तक पूर्णतः 100% 5% लोग यहाँ वहाँ चाय वाय पीने के लिए निकल जाते थे, शांति से वक्ताओं को सुना, आत्मसात किया और यहाँ से कुछ ना कुछ वो संस्कार लेके जा रहे हैं। कितना किया है, कितना हम आगे बढ़े हैं, इस पर चिंतन हो रहा है, गहरा चिंतन हो रहा है। पूरे देश के सिंधी समाज के लिए एक आशा की किरण भारतीय सिंधु सभा है और इसलिए हमने कुछ कार्यक्रम तय किए। हमने सदस्यता अभियान शुरू करने का निर्णय किया है। 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 3 महीने तक हमारा सदस्यता अभियान होगा। 1 लाख नवीन सदस्य बनाने का लक्ष्य है कि सिंधी समाज बैठ करके अब अपनी समस्याओं पर गहराई से चिंतन करने लगा है और उसके सफल परिणाम मुझे लगता है आने वाले वक्त में आएंगे। अब बात आज के वीडियो वायरल की। IIT मुंबई के क्लासरूम में लेक्चर के दौरान एक गाय घुस गई। 5 मिनट तक गाय क्लासरूम में घूमती रही, इसे बामुश्किल बाहर निकाला जा सका। छात्रों ने इसका वीडियो वायरल कर IIT के सिस्टम की पोल खोल दी है। देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक IIT
बॉम्बे इन दिनों गाय की वजह से सुर्खियों में है। यहाँ लेक्चर के दौरान क्लास में गाय घुस गई। अचानक गाय को क्लास में देखकर स्टूडेंट्स और टीचर अवाक रह गए। किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने गाय को क्लास और फिर कैंपस से बाहर निकाला। करीब 5 मिनट तक गाय क्लास में टहलती रही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छात्रों ने आरोप लगाया कि कैंपस में आवारा मवेशी घूमते रहते हैं। कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी कॉलेज प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए। छात्रों ने बताया कि हाल ही में 2 सांडों ने कैंपस के मेन गेट पर एक छात्र अक्षय पाल पर हमला कर दिया था। इस हमले में छात्र को बैकबोन में चोट आई थी। आज भी वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। छात्रों का कहना है कि आवारा पशुओं को लेकर पिछले 1 महीने में यह तीसरी घटना है जब स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को एक बैल लॉबी में देखा गया तो गाय क्लासरूम में घुस गई। आईआईटी बॉम्बे के निदेशक ने मुख्य सुरक्षा अधिकारी से कहा कि वे जानवरों को परिसर में प्रवेश करने से रोकने के लिए 3 गार्ड तैनात रखें। छात्रों का आरोप है कि ऐसा कई बार हो चुका है लेकिन कॉलेज प्रशासन इस विषय में कोई भी संज्ञान नहीं लेता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncdu.ac.in.